दिन के बजाय एक नमस्ते मैं राशिद। बड़ी खबर सबसे पहले हाथरस केस में सीबीआई ने शुरू की जांच। सीबीआई ने हत्या गैंगरेप और एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। कड़ी सुरक्षा के बीच आज पीड़ित परिवार को लखनऊ लाया जाएगा। कल हाईकोर्ट में हाथरस केस की सुनवाई। राहुल गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा शर्मनाक सच्चाई यह है कि कई लोग दलित मुसलमान और आदिवासियों को इंसान समझते ही नहीं। राहुल ने लिखा कि मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस कहती है किसी का रेप हुआ ही नहीं क्योंकि उनके लिए पीड़िता की जिंदगी की कोई कीमत है ही नहीं। यूपी के गोंडा में राम जानकी मंदिर के महंत को बदमाशों ने मारी गोली। देर रात हमलावरों ने पुजारी को गोली मारी और फरार हो गए। गंभीर हालत में पुजारी को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। बाद में उन्हें लखनऊ भेजा गया। फिलहाल पुजारी की स्थिति सामान्य है। शुरुआती जांच में जमीन विवाद का मामला सामने आया। मंदिर की कई एकड़ जमीन पर भू माफियाओं की नजर थी। यूपी में रेप के बढ़ते मामलों पर योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया। सरकार ने पॉक्सो एक्ट मामलों में जल्द ही सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध किया। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट से सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। कहा पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों का निपटारा प्राथमिकता से हो। यूपी में 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक महिला सुरक्षा पर विशेष अभियान चलेगा। प्रदेश में 20,000 से ज्यादा रेप के मामले कई अदालतों में लंबित हैं। यूपी के देवरिया में कांग्रेस नेताओं की शर्मनाक करतूत सामने आई। भरी सभा में कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं से मारपीट की। कांग्रेस नेता मुकुंद मणि को टिकट मिलने से महिला नाराज थी, हंगामा करने लगी, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं के साथ हाथापाई की। चीन से तनातनी के बीच इंडियन एयरफोर्स ने एलएसी लॉक की है। ग्लोब मास्टर से लेकर चिनूक अपाचे और मिक्स 17 की गर्जना से इलाका थर्राया। अपाचे हेलीकॉप्टर भी लद्दाख में दिन रात उड़ान भर रहे हैं। रात में युद्ध के लिए इंडियन एयरफोर्स की तैयारी पूरी है। चीन के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स भी तैयार है। लद्दाख के अग्नि मोर्चे पर MiG-26 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। योजना के तहत 1,00,000 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। इस योजना के तहत पीएम मोदी ने गांव वालों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना से गांव के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। दिल्ली में प्रदूषण ने एक बार फिर से दी है दस्तक। अक्षरधाम, आईटीओ रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब रहा। आज से पराली पर बायो डीकंपोजर का छिड़काव होगा। भारत में कोरोना के अब तक 70,53,807 केस सामने आए, जबकि 8,67,496 एक्टिव केस हैं। आईपीएल सीजन 13 में आज दो मुकाबले हैं। पहला मुकाबला हैदराबाद और राजस्थान के बीच है। दूसरा मुकाबला मुंबई और दिल्ली के बीच होगा।